Hello everyone, good evening. Good evening everybody. So, बच्चों अब तो नीट के लिए डेट भी आपको पता चल चुकी है. सो आई थिंक आप लोगों ने अपनी तैयारी एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट कर दी होगी, राइट? ऑल सेट फॉर नीट 2021. क्यों बच्चों? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग. हाँ जी परी, 1 अगस्त आपकी जो नीट 2021 की डेट है अब तो वो भी डिक्लेयर हो गई है. सो सुनीता जी, तैयारी शुरू कर दी है या नहीं? रमेन, कपिल, हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग आरती, हेलो शुभम. ऑल सेट फॉर नीट 2021. चलिए, सो इसी चीज की तैयारी करवाने के लिए हमारा जो टारगेट है 650 प्लस का, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ही ये जो महाक्विज है ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. सो आज पता चल जाएगा आपको कि यूनिट 1 आपने कितने अच्छे से प्रिपेयर कर ली है ना भाई. क्लास 11 के स्टार्टिंग के तो चैप्टर्स है 1, 2, 3, 4, ये चैप्टर्स तो आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे अब तक. क्यों बच्चों? ओके देन, मैं आ गई हूँ. फटाफट से स्टार्ट करेंगे. आप लोगों को करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है. मन्नर, इट्स नॉट दैट एनसीईआरटी इज 100% इनफ फॉर नीट, बट जब तक आप लोगों का जो बेस है वो क्लियर नहीं होगा, आप लोगों का अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो नीट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो यही मेरी आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है कि पहले आप अपना बेस स्ट्रांग बनाओ, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़िए, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको जितने भी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत है वो मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगी. ठीक है, बट एटलीस्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप लोग गलत मत करो, है ना. चलो, खैर वो तो आज पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है. वो जो बच्चे कहते हैं कि क्या एनसीईआरटी इनफ है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो एनसीईआरटी से आगे की भी अच्छे से तैयारी कर ली होगी, है ना. चलो फिर शुरू हो जाओ. लेट्स सी आप लोग सही उत्तर बता पाते हो या नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर. कम ऑन. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन. चलिए कमेंट्स में बताइए सही उत्तर क्या है. चलो बच्चों, ओके, सो काफी स्टूडेंट्स ने बोला है मैम डी को लॉक कर दो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट. सो जो ऑप्शन डी है यानी कि एनाबेना, क्योंकि वो एक प्रोकैरियोट है यानी कि वो बिलोंग करता है मोनेरा से, इसीलिए उसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा. ठीक है बच्चों, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों की स्क्रीन पर. जीनस रिप्रेजेंट्स, बताइए.
हाँ जी, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। वेरी गुड बच्चों। स्वाति, वेरी गुड अर्पित। हाँ, हम समझ गए, सी सही उत्तर है। एब्सोल्युटली राइट। जीनस रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थ्री, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, चलो बताइए विच वन इज राइट। ओके, सो कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपॉड्स इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। क्या आर्थ्रोपोडा का सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है बच्चों? गलत, ओपन टाइप होता है। क्या एनिलिट्स के अंदर पैरापोडिया स्विमिंग में हेल्प करेंगे? राइट। क्या मॉलस्क का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है? सही बात है। क्या एस्किएल्मिन्थेस डायोशियस होते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। आपने देखा ना स्कैरिस का डायग्राम, है ना? सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए अलोन इज रॉन्ग। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत सही। हाँ, बी फॉर बबीता। क्वेश्चन नंबर फोर, गिवन बिलो आर दी स्टेटमेंट्स अबाउट ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो देखिए जरा स्टेटमेंट क्या है, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं बच्चों। चलो चारों स्टेटमेंट्स को रीड करो और बताइए विच टू अमंग द अबव आर करेक्ट। कौन सी दो बिल्कुल करेक्ट है? कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। काफी स्टूडेंट्स को इसका आंसर सही पता था। पहली स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है, दे आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। क्या ये बात सही है? दे आर कॉमनली कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। फिर लिखा हुआ है, दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय स्पोर्स। यार ये बात तो गलत है। फिर लिखा हुआ है, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलिकोट्राइकम बिलोंग्स टू दिस। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। फिर बोल रहे हैं, सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर डीकंपोजर्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ सेप्रोफाइट्स। रॉन्ग। सो करेक्ट सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड है, इसीलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, वेरी गुड दीप्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव बताइए, बताइए विच वन इज राइट।
बात है, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सी, काफी स्टूडेंट्स का मानना है कि करेक्ट ऑप्शन है सी, वेरी गुड। क्योंकि जो फाइलम होता है प्लांट्स के लिए हम उसको डिवीजन कह देते हैं, प्लांट्स के लिए हम उसको डिवीजन कह देते हैं, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है सी। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पेरक्स, अंडे देने वाला इनमें से कौन सा है? चलो जल्दी ट्राई करो। ओके, काफी बच्चे ए बोल रहे हैं, काफी बच्चों का मानना है ए, पेरी द प्लैटिपस। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। कम ऑन बच्चों, हरी अप। क्वेश्चन नंबर सेवन, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही कौन सा है इनमें से? चलो बच्चों बताओ फटाफट से। चलो वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड कृष्णा। नो अनिरुद्ध, नो बबली, नो अंकुश, 1 2 3 गो, बिल्कुल सही। नो आरती, सेल्फ मेकओवर, वेरी गुड वेरी गुड। विशाल ब्रो, बहुत सही, हीरो, क्या बात है। चलिए, सो बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन का सही उत्तर है सी। लिखा हुआ है वायरसेस कैन नॉट हैव बोथ डीएनए एंड आरएनए टुगेदर, बिल्कुल सही बात है। या तो उनके पास डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर एट, विच इज द ओनली फाइलम इन किंगडम पोरिफेरा विदाउट एनी नर्व सेल। बेटा ये किंगडम एनिमल एनिमेलिया लिखा है, ना कि पोरिफेरा। किंगडम एनिमेलिया में कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें नर्व सेल नहीं है? एनिमेलिया में हाँ जी बच्चों, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है। बेटा फालतू की बातें नहीं, सिर्फ अपना आंसर पे ध्यान दो। आप लोग इतने बड़े हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज पोरिफेरा। वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स। ये पहला पॉइंट है, दूसरा, ये तीसरा, एंड दिस वन इज फोर्थ। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, कम ऑन।
बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है मिथेनोजेंस आर आर्किबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन मार्शी एरिया। फिर है नोस्टोकिस फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी विच फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज सेल्यूलोज फ्रॉम ग्लूकोज, देन माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन चारों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है? फर्स्ट बिल्कुल ठीक है बच्चे, सेकंड भी ठीक है एंड फोर्थ भी ठीक है, लेकिन सी वाला थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एल्गी हैव सेल्स मेड अप ऑफ, चलो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। वेरी गुड इवनिंग अरफाक, वेरी गुड इवनिंग। बेटा नीट की डेट आ चुकी है बच्चों, अब एकदम तैयारी में जुट जाओ। जिसको जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सब मुझसे पूछो, और मैं अब जो भी लाइव सेशन आप लोगों के साथ रखूंगी उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही डिस्कस करूंगी। तो हर रोज एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ के आना है आप लोगों को, ठीक है अरफाक? बच्चे नाम होना चाहिए कि हाँ भावना मैम से पढ़े थे और हमने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अटेंड किए हैं। ठीक है बच्चों, चलो भाई क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए। वेरी गुड सौरभ, अर्पित, प्रेरणा, आरती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैशाली, सोशल हैकर, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। अब हर क्लास में चैप्टर जरूर पढ़ के आना है, ठीक है? कल की क्लास में ना सौरभ एक महाक्विज रखूंगी, है ना? कोई दिक्कत हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में पूछ लिया करो, ठीक है? बस मार्क्स चाहिए मुझे आप लोगों के, नीट में एकदम बढ़िया नंबर, ये मत सोचना, बस क्लियर हो जाए ना, अच्छे मार्क्स चाहिए अच्छे, ठीक है ना? चलिए बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइजनस स्नेक, इनमें से कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है? चलो बता दो तान्या, कहीं नहीं जाना आरती, यहीं रहना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। हेलो ताहिर, अर्पित, एक बार एमबीबीएस, एक बार एमबीबीएस में एडमिशन हो गया, अच्छे मार्क्स आ गए तो सब मिलेगा मेरे भाई। इन डिस्टर्बिंग एलिमेंट से दूर रहो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड अनिरुद्ध, सौरभ, सोशल एंकर, ये हुई ना बात। अर्पित गलत कर दिया, फालतू फंड की चीजों में ध्यान रखोगे बेटा ऐसे ही होगा। करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि पाइथन, करेक्ट ऑप्शन है सी यानी कि पाइथन। नो वैशाली, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? बताओ आरती। निधि, वैशाली, वंशिका, दीप्ति, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो बच्चों, सही आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड अर्पित, सोशल हैकर, नो प्रियंका बच्चे, बबली नो, नहीं अनिरुद्ध, मोहम्मद अरफात, कृष्णा, वंशिका। बेटा इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन पढ़िए, जायगोट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि
कि जायगॉट भी 2n हो, स्पोरोफाइट भी 2n हो, लेकिन जायगॉट ने मियोसिस करके स्पोरोफाइट को बनाया हो। इज इट पॉसिबल? नहीं ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट। ठीक है, वेरी गुड मन्नत, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन है ए, क्योंकि हमसे पूछा था गलत स्टेटमेंट बताओ, हमने बता दिया पहली स्टेटमेंट ही गलत है भैया, राइट। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 13। द कैरेक्टर दैट प्रूव्स दैट फ्रॉग्स हैव इवॉल्व फ्रॉम फिशेस। और ये जितने भी बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, हम कैसे बताएं, बट एक बात बताओ, ये क्लासेस मैं क्यों कंडक्ट करवा रही हूँ? मैं इसीलिए तो कंडक्ट करवा रही हूँ ना, ताकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आए जो हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़े, और अगर ये क्वेश्चंस नीट में आएंगे तो हम बिल्कुल सही अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 13। वेरी गुड अनिरुद्ध। मैम एक न्यू स्टूडेंट है, बताइए कौन? सब अपने बच्चे हैं, कोई न्यू नहीं है। अर्पित बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाया जेनेटिक्स वाला। वेरी गुड अर्षिता, वेरी गुड। हाँ जी बताइए वैशाली। चलो, हमें क्यों पता चला कि जो फ्रॉग्स हैं वो फिशेस से इवॉल्व हुए हैं? क्योंकि उनके अंदर ये टैडपोल लार्वा बनता है ना, उनके अंदर ये लार्वल स्टेजेस नजर आती हैं इसलिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। वैष्णवी, अच्छा जी वैष्णवी न्यू स्टूडेंट है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं वैष्णवी, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए बेटा, जो डाउट्स होंगे वो पूछ लेना। आपसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, रॉन्ग, और अर्पित ने बोल दिया, कृष्णा ने भी, प्रियंका, अनिरुद्ध, अंकुश, तनुश्री, तनुश्री ने तो बी बोला यार, सोशल एकर, वेरी गुड बेटा, करेक्ट ऑप्शन ए ही है, वेरी गुड ताहिर भाई साहब। जो डबल फर्टिलाइजेशन है वो जिम्नोस्पर्म की यूनिक फीचर कब से होने लगी? एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है ना बच्चों, बबली याद रखोगे आप? चलो क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली। इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है? बता दो आरती। मैम मैम मत चिल्लाओ, चलो सही उत्तर, हाँ हाँ आरती बता दो, वेरी गुड परी, वेरी गुड। वैष्णवी वेरी गुड, वैशाली बहुत बढ़िया, हाँ जी अर्पित, हीरो वीरो बाद में बन लेना, आंसर बता दो आरती। ओहो मन्नत, मन्नत एक बात बताओ, आपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ देखा होगा कि जो पाइनस है वो एक ऐसा प्लांट है जिसकी रूट्स में फंगस आकर एसोसिएट हो जाती है, एंड व्हेनेवर द हायर व्हेनेवर द रूट्स एसोसिएट विद द हायर प्लांट्स, मतलब फंगस जब भी हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट करती हैं तो वो माइकोरिजा बनाएंगी, है ना? तो ये वाला कोरलॉइड रूट कैसे होगा? कोरलॉइड तो साइकस में होती है, क्योंकि कोरलॉइड रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं बच्चों जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होंगे। ठीक है अनिरुद्ध, थैंक यू विक्रांत, थैंक यू विक्रांत, आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ वेरी गुड ताहिर, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर बताओ बच्चों। इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। आई एम गुड रमीन, थैंक यू। आप कैसे हो भाई, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? मैम बहुत गर्मी हो रही है और आपके फैन भी है
आदि डोंट बी जेलस। बताइए बच्चों विच वन इज राइट। वेरी गुड अंकुश गोयल, वेरी गुड। क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? क्वेश्चन में पूछा है व्हेन मीजोडर्म या फिर बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म। वेरी गुड सोशल हैकर ताहिर आयुषी सिंह, वेरी गुड। बच्चों ये जो ए सिलोमेट बोल रहे हैं ना, एकदम गलत। करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि सूडो सिलोमेट। एक बात बताओ बच्चों, अगर यहाँ पर लिखा होता आलोक, वेरी गुड, अगर यहाँ पर लिखा होता दैट द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, तब आप क्या आंसर बताते बच्चों? अगर लिखा होता बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, तब आंसर होता ए सिलोमेट। लेकिन यहाँ पर लिखा है बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मीजोडर्म, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। मोहम्मद अरफाद ऐसे करोगे तुम अब भाई? करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि सूडो सिलोमेट। ठीक है अर्पित, क्या लिखा था मैसेज? डिलीट कर दिया, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और बताइए विच वन इज करेक्ट। चलो यस सौरभ मीना, वेरी गुड। यस विनम, बहुत सही बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से रीड करो और बताइए विच वन इज करेक्ट। कम ऑन, कोई बात नहीं राजा, आगे वाले ठीक करो अच्छे अच्छे से। ओहो विक्रांत, कोई बात नहीं, ये तो हम 11th के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो जब मैं 12th की क्लासेस दूंगी आप तब आ जाना, नोटिफिकेशन तो आपको मिलती होंगी, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है डी, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, बताओ बच्चों मिसमैच पेयर कौन सा है? और तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है कि नहीं? नहीं कर रखा तो कर लेना, puri.b इज माय इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, अब वहां पे जाकर डाउट मत पूछना मुझसे, मैम ये बता दो, मैम वो बता दो। ठीक है, ऐसे नहीं करने का, बस मेरी फोटो देख के सुंदर सुंदर लाइक करना है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल जतिन, 12th की बोलूंगी क्यों नहीं, अब तक तो कोर्स तुमने पूरा कर ही लिया होगा। अगले हफ्ते से 12th की भी स्टार्ट कर देंगे, सैटरडे संडे 12th। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर, और हमें पता चल गया है कि सी वाला ऑप्शन इन्होंने गलत लिख रखा है, इन्हें पता ही नहीं है यूस्टिलेगो किससे बिलोंग करता है बच्चों, बेसिडियो माइसिटीज, राइट। बहुत बढ़िया मन्नत, वेरी गुड। आरती जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर, इनमें से कौन सा मैमल्स का कैरेक्टर नहीं है? चलो बता दो। और यार तुम बड़े गंदे बच्चों, वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हो, मैं देख रही हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैमेलियन कैरेक्टर, नॉट। Deep, that's wrong. Very good, social hacker, Krishna, Bubbly, Mannat, Ankush, Alok, Tahir, social hacker, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मोहम्मद अरफात, very good. Correct option है D.
क्योंकि हमारे होमोडोंट थोड़ी ना होते हैं, हेटरोडोंट होते हैं। हेटरोडोंट का मतलब क्या है? हेटरोडोंट का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब हमारे मुंह में इंसिजर है, कैनाइन है, प्री मोलार्स है, मोलर्स है, राइट? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बता दो फटाफट। कम ऑन एवरीवन। तनुश्री, यस। मोहम्मद अरफात, वेरी गुड। सुभाष जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 20, और आप लोग बताएंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखा मैंने, ये तो टैलेंट है तुम्हारा। अब तक तुम्हें पता ही नहीं था अपने टैलेंट के बारे में कि दिसंबर में पढ़ा हुआ चैप्टर अभी भी तुम्हें याद है। बहुत ही टैलेंटेड हो। और इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन है बी, रेडियल सिमेट्रीज फाउंड इन एस्ट्रियासिस। ठीक है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। एंजियोस्पर्म्स हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरली बिकॉज ऑफ देयर। चलो भाई, एंजियोस्पर्म बड़े डोमिनेटिंग हो रहे हैं आजकल, ऐसा क्यों? क्या खासियत है उनके अंदर? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट ऑप्शन। बताइए बच्चों। बाय 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 अंकुश, बाय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पावर ऑफ अडैप्टेबिलिटी इन डाइवर्स हैबिटेट। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस एंड कालाजार बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बता दो, स्लीपिंग सिकनेस करवाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? चलो, वेरी गुड वैशाली। बताइए बच्चों, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है आरती? अर्पित, गिव मी द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड अंकुश, दीप, ताहिर, बबली, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बेटा, फ्लैजिलेटेड होते हैं वो। आपने एक एग्जांपल सुना होगा, स्लीपिंग सिकनेस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, और वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन है। ठीक है, याद रखोगे? चलो, सी सी फ्लाई उसकी वेक्टर होती है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 23। सौरभ भाई, ऐसी गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 23, कोइनोसिटिक माइसीलियम इज, कोइनोसिटिक माइसीलियम इज, बताइए बच्चों। हां जी, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट वन? यहां पर करेक्ट ऑप्शन है सी, मल्टी न्यूक्लिए एसेप्टेट। ठीक है बच्चों, याद रखना, कॉइनोसिटिक माइसीलियम कैसी होगी?
मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th, पढ़ लिया बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा था, इनमें से कौन सा फीचर है जो कॉमन होगा बर्ड्स और मैमल्स में। वेरी गुड, काफी बच्चों को पता है, डी वार्म ब्लडेड नेचर, है ना। होमियोथर्मी दोनों में कॉमन होती है, जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर को इंटरनल, मतलब इंटरनल को एक्सटर्नल के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। वेरी गुड किसांग, वेरी गुड सरमेश, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों की स्क्रीन पर, चार अंकों के लिए बता दो सही उत्तर क्या है। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 25 सोशल हैकर ने बोला है डी, और सब बच्चे अलग अलग बोल रहे हैं। बैड बॉय, आज हम यूनिट 2 की क्विज ले रहे हैं, और अगले मतलब अब जो नेक्स्ट संडे होगा तब यूनिट, आज यूनिट 1 की ले रहे हैं ना, तो अगले हफ्ते यानी कि संडे को यूनिट 2 की होगी, फिर यूनिट 3। बेटा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जी सुगुमा, करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ दीज। डाई कैरियन फेज क्या होता है बच्चों, जब टू न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल, यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। राइट उन्नति, ए नहीं होगा बच्चों, डी है ऑप्शन डी। बैड बॉय, पहले यूनिट 2 की होगी उसके बाद यूनिट 3, अभी शेड्यूल नहीं बता सकती मैं आपको। मैम एक बार केबीसी की तरह बोलिए, और ये रहा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखो पहले, फिर बोलूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट युगलीना इज करेक्ट। बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। थिंक से काम नहीं चलेगा शिवम, पक्का पक्का बताओ कौन सा होगा। शर्मेश ने बोला है डी। ऐसे थोड़ी ना होता आरती, सही आंसर देके जाओ। देखो बबली ने एकदम सही उत्तर दिया है, अंकुश ने भी, ताहिर, हर्षिता, सोशल हैकर और जी सुगुमार, अरफाद ने भी, कृष्णा, सौरभ, रोशना, वेरी गुड, आरती ने भी सही दे दिया, कवि बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन है ए, युगलीना इज अ फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स शेयर अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, इनमें से किसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, आप लोग बताइए। हाँ जी आरती देख लिया। क्वेश्चन नंबर 27 का बताओ आलोक, सुगमार, मन्नत, चलो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन बताओ।
ओके बैड बॉय, मन्नत, बबली, वेरी गुड, रिहाना, सैफी लेट हो गए हैं, बट बिल्कुल सही उत्तर के साथ एंट्री हुई है आपकी, और करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स में तो फोर चैम्बर होती ही हैं, रेप्टाइल्स की जो एक्सेप्शन है वो क्रोकोडाइल है, राइट? बहुत बढ़िया। और ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलिएटेड प्रोटोजोआ? सिलिएटेड प्रोटोजोआ, चलो भाई बता दो सही उत्तर। सौरभ अब बताओ सही उत्तर क्या है, और अमन प्रताप जी की एंट्री हो चुकी है 27 प्रश्न होने के बाद, वाह वाह बहुत बढ़िया। भाई ताहिर, क्रोकोडाइल ही एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स की फोर चैम्बर्ड हार्ट के लिए, ठीक है? थैंक यू अंकुश, थैंक यू। आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप 12th या 11th स्टैंडर्ड में हो? आरती डोंट बी जेलस प्लीज, जलो मत यार तुम। देख लो अंकुश गोयल, तुमने लिखा है ना मैम बिग फैन, तो आरती कह रहे एक और फैन और गुस्सा हो रही। चलिए बेटा बहुत सही, बहुत सही बेटा, आप सभी को इसका आंसर पता है, वेरी गुड। करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज पैरामीशियम कोडेटम, वेरी गुड रियाना। क्वेश्चन नंबर 29, मीमर यूट्यूब 11th में हो तो बिल्कुल सही सही उत्तर देने बनते ही हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया बच्चों, सही सही उत्तर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स हैज नॉन ग्लैंडुलर स्किन? नॉन ग्लैंडुलर स्किन इनमें से किसके पास होगी? चलो क्वेश्चन नंबर 29, तनुश्री, कृष्णा, क्वेश्चन नंबर 29 सही उत्तर बताइए। बिल्कुल आरती, बिल्कुल। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड। चलिए सो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बच्चों? कैमलियन एंड टर्टल, गिरगिट एंड कछुआ। क्वेश्चन नंबर 30, अ ट्रू स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ अ पॉपुलेशन विच इज? ट्रू स्पीशीज किसको कहते हैं बच्चों? ट्रू स्पीशीज किसको कहते हैं? बताइए ट्रू स्पीशीज किसको बोलेंगे? झिलमिल, वेरी गुड ताहिर, वेरी गुड। दीप ज्योति, मैं अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकती, बट यस आई विल ट्राई माय बेस्ट, जल्दी से मैं आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करवा दूंगी फॉर नीट, बट ये जो प्रैक्टिस की क्लासेस मैं अभी ले रही हूँ ना, ये क्लासेस बिल्कुल मिस मत करना आप, क्योंकि जितने चैप्टर्स आप लोगों ने अब तक पढ़ लिए हैं पता भी तो चलना चाहिए हमें आता कितना है ना? चलो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है दीप ज्योति, क्वेश्चन नंबर 31, लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन? जो कार्लस लीनियस का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, किसके ऊपर बेस्ड था? चलो जल्दी बताओ। अच्छा जी झिलमिल, इसका भी सही उत्तर बताओ। बच्चे ताहिर, मैंने बोला ना कि रेप्टाइल्स में सिर्फ क्रोकोडाइल की एक्सेप्शन होती है जिसमें फोर चैम्बर्स हैं, बाकी सभी रेप्टाइल्स के अंदर थ्री चैम्बर्स हार्ट होते हैं, टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल। ठीक है बच्चों, हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि कार्लस लीनियस ने सिर्फ मॉर्फोलॉजी की बेसिस पर क्लासिफिकेशन दी थी। ठीक है बच्चों, गलत कर रहे हो आप लोग,
कार्लस लीनियस ने सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ऑब्जर्व किया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, चलो बताओ। ओहो, ओके सौरभ, ओके बाय। यस झिलमिल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आरती नाइट बॉट भी खुशी हो रहा है, खुश हो रहा है तुम्हारे जाने पे। बिल्कुल अंजना, टॉपर तो आप हो ही, सही सही उत्तर दो तब पता चले इन बाकी बच्चों को भी कि आप टॉपर हो या नहीं। बता दो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या है। बाय सुगमर। बच्चे कल भी 8 PM टू 9 PM हम लाइव आएंगे, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे चारों दिन 8 बजे से 9 बजे हम लाइव आते हैं, ठीक है बच्चों। एंड हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डी, वेरी गुड। 23SRRNA ये कैटलिस्ट यानी कि राइबोसाइम की तरह एक्ट करेगा बैक्टीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेल कॉकरोच डिफर्स फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग, जो मेल कॉकरोच है उसके पास ऐसा क्या है जो कि वो डिफरेंट होता है फीमेल कॉकरोच से, बताइए बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड। सो भाई मेल कॉकरोच स्टाइलिश होते हैं, उनके पास स्टाइल होता है, एनल स्टाइल है ना, तो स्टाइल की प्रेजेंस को देखकर आप पता लगा सकते हो कि वो मेल कॉकरोच है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34। द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन अ बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन होती है वो कहाँ होती है बच्चों, बता दो फटाफट। चलिए बताइए, 40 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, हरी अप। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया सुदीक्षा। थैंक यू जिलमिल। सो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन है डी, मीजोसोम। बच्चे बैक्टीरिया की सेल वॉल की एक्सटेंशन होती है, स्पेशलाइज मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। माइकोरिजा एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ, बच्चों माइकोरिजा किस किस से मिलकर बनी है और वो कौन से फिनोमिना को एक्सप्रेस करेगी, चलो जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 35, राजेश थामी, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या है। वेरी गुड विल्सन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनागा, बिल्कुल सही। नो अरफान, ये तो मॉक, ये उसके हैं यूनिट वन के हैं, तो एक एक दो दो क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर वाले होंगे बट सेम नहीं होंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सिम्बायोसिस। बेटा लास्ट क्लास में तो मैंने चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपसे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, चलो पूजा बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज सेल वॉल। बेटा ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, पॉजिटिव की जो सेल वॉल है इट इज कंपैरेटिवली थिक, थिकर होती है वो, तभी तो वो स्टेन को एब्जॉर्ब करके होल्ड करके रख लेती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद identification, nomenclature
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 अरफान, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, टैक्सोनॉमी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, जीनोपोर, बैक्टीरियल जीनोम या न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 और ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पर। हां जी ताहिर, इजी वन, यस बेटा। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सारे क्वेश्चंस आते हैं और उनको इजी ही लगते हैं। फिर मैम मेरे पास आपकी ही क्लास समझ में आती है। अच्छा बैड बॉय, अब गुड बॉय बन जाओ, बस अच्छे अच्छे नंबर ले आना, फिर मुझे बताना मैम मैंने आपकी वीडियो से पढ़ाई की और मेरे इतने अच्छे अच्छे नंबर आए। ठीक है, उन्नति जी का कहना है ऑप्शन डी और क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर है सी। वेरी बैड बेटा, सिंगल डीएनए होगा लेकिन वो होगा डबल स्ट्रैंडेड। बच्चों आप सभी ने या तो बी या फिर डी बोला था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर है सी। घनश्याम, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर है सी, अ सिंगल डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है शिवम, जेलस हो गए मतलब अब तुम, ये बात हो गई अब, ये दोस्ती है प्यार। चलो उप्स बबली गलत हो गया। यस घनश्याम बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या है सी। ठीक है ना, कोई बात नहीं, जो यहाँ पर गलत हो रहे हैं उसको लर्न कीजिए, एग्जाम में ये मिस्टेक नहीं होगी बच्चों। ठीक है कम ऑन, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड इज फाउंड इन, लार्जेस्ट स्पर्म किसका होगा इनमें से बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 39 आप बताइए विच वन इज राइट। दीप प्रकाश, जीनोफोर क्या है पता है, बैक्टीरिया के अंदर जो ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम जीनोफोर कहते हैं। ठीक है, हम जीनोम कहते हैं ना यूकेरियोट्स के अंदर ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल, वैसी बैक्टीरिया के लिए जीनोफोर। लवेन, मिस्टर जीनियस, दोनों ने ऑप्शन बी को सेलेक्ट किया है, सुदीक्षा ने भी, और आप लोग बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। वेरी गुड वाइपर गेमिंग, वेरी गुड बच्चों। वीडियोस को साथ साथ लाइक करते रहा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, जो वॉकिंग फर्न है उसका नाम वॉकिंग फर्न क्यों है बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। यस अल्फा, साइकस वॉज करेक्ट, लास्ट क्वेश्चन का भी सही आंसर बता दो। हाँ जी बच्चों, विच वन इज राइट, आपके हिसाब से कौन सा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्या बात है। वाइपर गेमिंग क्लास 11 की यूनिट 1 फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से है और क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। वॉकिंग फर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास जो वेजिटेटिव लीफ टिप्स होती हैं, जैसी वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आएंगी वहां से दूसरे
प्लांट्स को ग्रो कर देंगी। ठीक है बच्चों, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है, सब बच्चों को अपनी अपनी गलतियां पता चल चुकी हैं, तो बेटा यहाँ से सीखो, ठीक है? और जो भी डाउट्स हुआ करे आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करो। ये मिस्टेक्स जो आज आप मतलब आज की क्विज में आप लोगों ने की है, ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? कोई बात नहीं, वाइपर गेमिंग मेरा दूसरा चैनल है आफ्टर स्कूल, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 10th के लिए मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस किए हैं, और मैं चैप्टर वाइज वहां पर वीडियोस भी डालती हूँ, ठीक है? तो बच्चे मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, प्लीज गो फॉर इट, जाइए और उन वीडियोस को लाइक कीजिएगा, देखिएगा, आपको पक्का समझ आएंगी, अच्छी लगेंगी। बोर्ड की आपकी तैयारी मैं करवा दूंगी, ठीक है बच्चों? और आप सभी से भी, बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है कि मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने छोटे भाई बहनों को बताओ कि यार मैम 10th की भी क्लासेस कंडक्ट करवाती हैं साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है बच्चों? ऐसी मजा आएगा, ऐसे ही मजा आएगा बबली, आप अच्छे तरीके से पढ़ के आया करो बस, ठीक है बच्चों? चलिए, सो ऑल दी वेरी बेस्ट। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर किसी बच्चे ने अभी तक वो मिस कर दिया है तो जाइए और हर एक चैप्टर के क्विज को अटेंड कीजिए, ठीक है? कल हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, ठीक है बच्चों? पढ़ के आना 8 बजे से 9 बजे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन, वेलकम सरताज, यस अल्फा, अपनी गलतियों से ही सीखते हैं हम। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।